मूल रूप से वॉलंटियरिंग या स्वयं सेवा का मतलब है इच्छुक होना, या दूसरे शब्दों में जीवन के लिए पूरी तरह से हां बनना। ज्यादातर इंसान सुविधाजनक होने पर हां और सुविधाजनक ना होने पर ना होते हैं। हां अगर कुछ मिल रहा है, ना अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। एक वॉलंटियर का मतलब है कि उसने बस एक चीज छोड़ दी है, जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उसने बस ये एक हिसाब छोड़ दिया है कि मुझे क्या मिलेगा। अगर कोई इंसान इस एक गणित को छोड़ दे कि इससे मुझे क्या मिलेगा, अगर उसने इसे छोड़ दिया तो अचानक से वो एक अजूबा बन जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं लोगों को लगातार दिखा रहा हूं कि हमारे वॉलंटियर क्या कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स या ग्रामीण कायाकल्प कार्यक्रमों को देखें, और लगभग हर चीज जो यहां की गई है, उदाहरण के लिए ध्यानलिंग की गोल छत, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें क्या लगता है, मंदिर की छत इस तरह से बनी है कि उसमें कोई सीमेंट नहीं है, कोई स्टील नहीं है, कोई कंक्रीट नहीं है। सरल तकनीक यह है कि सारी की सारी ईंटें एक साथ गिरने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो नहीं गिर सकती। ये ऐसा है मानिए सब लोग एक साथ दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं निकल सकते जब तक कि कोई पीछे हटने का शिष्टाचार नहीं दिखाता, तभी वो जा पाएंगे। पर ईंटों में वो शिष्टाचार नहीं होता, तो वो सब एक साथ नीचे आने की कोशिश कर रही हैं और नहीं आ सकती। तो इसे बनने के लिए 180,000 ईंटें लगी। ये 180,000 ईंटें, उनमें से हर एक को हमारे स्वयं सेवकों ने एक एक मिलीमीटर तक नापा था। अगर कोई थोड़ा लापरवाह होता और जितना होना चाहिए कोई उससे 2 मिलीमीटर आगे ईंट को रख देता, तो ये पूरी चीज नीचे गिर सकती थी। तो मैंने बैठकर उनसे बात की और उनसे कहा, देखिए इसका मतलब ये है, मैं ये आपके हाथों में सौंप रहा हूं। आपने अपने जीवन में कभी ईंट के साथ काम नहीं किया, पर आपको इस तरह से इसे नापना है। And men, women, children sat down day and night. और आदमी, औरतें, बच्चे दिन रात बैठकर नापते गए, नापते गए, नापते गए, और उन्होंने ईंटों को रख दिया। और जब उन्हें इसे रखना है तो रखते समय जल्दी जल्दी करना है ताकि ये नीचे ना आ जाए। एक बार में आपको एक चक्कर पूरा करना होता है और आज आप इसे देख रहे हैं। मैं बस एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें की गई हैं। तो वो क्या है जो उनको प्रेरित करता है? देखिए, जोश और जुनून से परे कुछ है, प्रेरणा से परे भी कुछ है, लाभ से परे भी कुछ है, जो कि एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको आमतौर पर ज्यादातर इंसान कभी नहीं खोजते। Their whole life remains within certain expectations of profit, some passion towards it. उनका पूरा जीवन फायदे और उम्मीदों, उसके लिए कुछ जुनून और कुछ तीव्रता तक रह जाता है। पर वॉलंटियर एक तीव्र जीवन जीते हैं। इस हॉल में आमतौर पर हम वहां से काम करते हैं, हमारा ऑडियो सिस्टम कहीं और है और अचानक उन्होंने ये पूरी चीज यहाँ सेटअप कर दी है, ये हमें कुछ परेशानी दे रही है। टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी है, आप तो जानते हैं हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। तो रात भर लोग काम कर रहे हैं और दिन में भी वो काम कर रहे हैं। वो सोते कब है? वो नहीं सोते हैं। ये मेरा अनुभव है। मैं ऐसा हूं कि दिन में कम से कम 20-22 घंटे लगा रहता हूं, हफ्ते के 7 दिन, क्योंकि काम चल रहा है, अमेरिका में काम चल रहा है, दुनिया के हर हिस्से में जो अलग अलग टाइम जोन्स में है। सुबह के 2 बजे अगर मैं अपना फोन उठाऊं और कोई भी स्वामी या कोई और फोन उठाए, तो मैंने कभी भी एक बार भी सुस्त आवाज नहीं सुनी है, क्या सदगुरु? नहीं सदगुरु, चाहे रात हो, दिन हो, कोई भी समय हो। ये सबसे बड़ा वरदान है कि आप लगातार ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो तीव्र हैं, जो केंद्रित हैं, और जो कुछ भी किए जाने की जरूरत है उसके लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। ये सबसे बड़ा सुख है जो एक इंसान को मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है जो एक इंसान को मिल सकता है, और सौभाग्य से ये हमारे पास है।